आखिरी ओवर में शादाब खान की इस गलती से हारते हारते बची पाक टीम। पाकिस्तानी खिलाफ अफगानिस्तान के इस खिलाड़ी ने कर दी गंदी हरकत। आखिरी ओवर में मार्केटिंग का शिकार हुए शादाब खान, हारते हारते जीती पाकिस्तान। क्रिकेट में मार्केटिंग एक ऐसा पहलू है जिसे जब भी आजमाया जाता है इस पर बहस छिड़ जाती है। हालांकि क्रिकेट की शीर्ष संस्था ICC ने मार्केटिंग को सही करार दे दिया है, लेकिन खेल भावना की बात इस पर हमेशा हावी होती रही है। एक ऐसा ही नजारा गुरुवार को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हम्बनटोटा में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में सामने आया। हुआ यूं कि 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम जैसे तैसे इस मैच को जीतने के जद्दोजहद में थी। 47 ओवर में इफ्तिकार अहमद के आउट होने के बाद यह संकट और बढ़ गया। अब पाकिस्तान के लिए गेंद और रनों का फासला बढ़ता जा रहा था, लेकिन 8वें नंबर पर उतरे शादाब खान हार मानने के मूड में नहीं थे। उन्होंने 49वें ओवर की आखिरी दो गेंदों में चौका और एक छक्का जड़कर इस दूरी को कम भी कर दिया। अब पाकिस्तान को जीत के लिए 6 गेंदों में 11 रनों की दरकार थी। लगने लगा कि शादाब ये मैच जिता ही लेंगे, वे भी थोड़ा जल्दी में थे। इतने में अफगानिस्तान के गेंदबाज फजलक फारूक आखिरी ओवर की पहली गेंद डालने आए तो उन्होंने शादाब को क्रीज छोड़ता देख लिया। ऐसा देखते ही फारूकी को मार्केटिंग से रन आउट करने का मौका मिल गया। उन्होंने शादाब के बाहर निकलते ही तुरंत गिल्लियां बिखेर दी। हालांकि शादाब भी बिना देर किए पवेलियन लौट गए। थर्ड अंपायर ने रिव्यू में देखा तो पता चला कि शादाब नॉन स्ट्राइकर एंड की क्रीज से आगे थे, ऐसे में उन्हें आउट करार दे दिया गया। बड़े विकेट का आउट कर अफगानिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि नसीम शाह ने हैरिस राउफ के साथ मिलकर पाकिस्तान को एक विकेट से शानदार जीत दिला दी। पाकिस्तान भले ही मैच जीत गया हो, लेकिन शानदार बल्लेबाजी करने वाले शादाब को मार्केटिंग करने पर एक बार फिर से स्पिरिट ऑफ क्रिकेट चर्चा में आ गया। जहां एक और फैंस फजलक फारूकी को ठीक बता रहे हैं, तो दूसरी ओर क्रिकेट के करियारे में एक बार खेल भावना की चर्चा होने लगी है। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको सिर्फ यही मिलेगी।